शरीर के सभी दर्द गायब, नसों में कमजोरी, नसों में सूजन, दर्द, चक्कर आना, ब्लॉकेज की समस्या का इलाज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इतनी कॉमन समस्या के बारे में बात करने वाली हूँ, वह है शरीर में नसों की कमजोरी, दबी हुई नस, नसों में होने वाला दर्द और नसों में होने वाली ब्लॉकेज के बारे में। तो आखिर नसों में ब्लॉकेज किन कारणों से आती है? दोस्तों, हमारे खान पीन की गलत आदत, खराब लाइफस्टाइल, एक ही पोजीशन में कई घंटों तक बैठे रहना, इसके अलावा फिजिकल एक्टिविटी की कमी से शरीर में नसों में कमजोरी होने लगती है, दर्द और सूजन आने लगती है। इसके साथ ही हाई ब्लड प्रेशर या फिर आर्टरीज में ब्लॉकेज आने से, यानी फैट जमा होने से नसें कमजोर हो जाती हैं। किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन की वजह से भी नसें कमजोर हो सकती हैं, क्योंकि इसका सीधा असर नसों पर ही पड़ता है। शरीर में हार्मोनल इंबैलेंस, शरीर में पोषक तत्वों की कमी या फिर बहुत ज्यादा शराब पीने की आदत की वजह से नसों में कमजोरी आ जाती है। नसों में कैंसर या फिर ट्यूमर जैसी बीमारी के कारण भी नसें कमजोर होने लगती हैं। डायबिटीज भी इसका एक कारण है, नसें इससे भी कमजोर हो जाती हैं। दोस्तों, नसों के कमजोर होने से डेली रूटीन में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, काम करना मुश्किल हो जाता है, उठने बैठने में, चलने फिरने में दिक्कत आती है, आराम भी नहीं किया जाता, उस दौरान भी बहुत दिक्कत आती है। इसके अलावा दोस्तों, जब नस दबती है उस समय नस के ऊपर जरूरत से ज्यादा प्रेशर पड़ता है, जिससे नस सिकुड़ जाती है। समय रहते अगर इस पर ध्यान ना दिया जाए तो आगे चलकर वो जगह डैमेज हो जाती है, लकवे जैसी समस्या पैदा होने लगती है, शरीर का वो पार्ट यानी कि अंग काम करना बंद कर देता है। इसीलिए नस दबने की समस्या को हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमें कैसे पता चले कि हमारे शरीर में नसें कमजोर हो रही हैं? इसके लक्षण क्या होते हैं? दोस्तों, नसें कमजोर होने की स्थिति में नसें सुन पड़ने लगती हैं, चक्कर आने लगता है क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से नहीं हो पा रहा होता, जिसके कारण आंखों के आगे अंधेरा छाने लगता है। जब भी हम अचानक उठते हैं या फिर बैठते हैं तो ऐसे लगता है कि शरीर में जान नहीं लग रही, शरीर में कमजोरी बहुत ज्यादा रहने लगती है, व्यक्ति की याददाश्त भी घटने लगती है। इसको ठीक करने के लिए क्या किया जाए? दोस्तों, आज मैं आपको नसों की कमजोरी को दूर करने के लिए बहुत ही आसान इलाज बताने वाली हूँ, जो आपकी दबी हुई नस को पूरी तरह से ठीक करेगा। इसके साथ ही ये डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड की प्रॉब्लम, खराब कोलेस्ट्रॉल, जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम, एड़ियों में दर्द, कमर में दर्द की प्रॉब्लम, साथ ही थकान और कमजोरी की प्रॉब्लम को, इन सब में बहुत ज्यादा फायदा करेगा। दोस्तों, ये बहुत ही इफेक्टिव उपाय है जो पूरी तरह से नेचुरल है, इसका किसी भी तरह का कोई भी साइड इफेक्ट खतरा नहीं है। इस उपाय को तैयार करने के लिए सबसे पहले जिन चीजों की हमें जरूरत है वो है मेथी दाना। मेथी दाने के इतने फायदे हैं कि आप गिनती नहीं कर सकते। मेथी दाना कब्ज की समस्या को ठीक करता है, नसों में होने वाली ब्लॉकेज को खोल देता है, शरीर में बढ़ी हुई वात को बैलेंस करता है। डायबिटीज वालों के लिए तो ये रामबाण इलाज है, शुगर को ये कंट्रोल करता है, डायबिटीज की प्रॉब्लम को दूर करता है। साथ ही मेथी दाना बुरे कोलेस्ट्रॉल को खत्म करता है, अच्छे यानी गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, ये स्किन को डैमेज नहीं होने देता, स्किन पर ग्लो लाने का काम करता है, जिससे हम लंबे समय तक जवान दिखते हैं। इसके अलावा ये मेथी दाना हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, शरीर में कफ नहीं बढ़ने देता, दिमाग को एक्टिव करता है। हड्डियों से संबंधित कोई भी बीमारी हो या फिर नसों से संबंधित कोई भी समस्या हो रही हो, उसको ठीक करता है। कहने का मतलब ये है कि मेथी दाना आपके पूरे शरीर के लिए फायदेमंद है। दूसरी चीज जो हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं वो है दालचीनी। दोस्तों, इसके बारे में आप अच्छी तरह से जानते ही होंगे, ये आपके किचन में मिल ही जाती होगी, जिसे आप खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते होंगे। ये स्वाद को बढ़ाने के अलावा आपके मोटापे को घटाने में फायदेमंद है, खराब कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर निकालती है, शुगर में ये बहुत फायदेमंद है, शरीर के सारे टॉक्सिन्स को ये रिलीज करती है, नसों की ब्लॉकेज पूरी तरह से खोल देती है, जिससे खून का बहाव, ब्लड सर्कुलेशन बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो हमने यहाँ पर दो चीजें लेनी है, मेथी दाना और दालचीनी। इसका इस्तेमाल कैसे करना है आइए जानते हैं। यहाँ पर आपने एक गिलास पानी लेना है, अब इसके अंदर आपने आधा चम्मच मेथी दाना डालना है, फिर इसके अंदर एक इंच के बराबर दालचीनी का टुकड़ा डाल दीजिए, फिर इसे रात भर के लिए ढक कर रख दीजिए। अगली सुबह जब भी आप उठेंगे तब पानी को छान कर अलग कर दीजिए, पानी भी हमने काम में लेना है और ये दोनों औषधियाँ भी काम आएंगी। यह जो पानी हमने छान कर अलग किया है, उस पानी को हमने सुबह उठते ही
बिना कुछ खाए बासी मुंह पी लेना है। अब ये जो मेथी दाना और दालचीनी है इनका क्या करना है, इन दोनों चीजों को आपने किसी भी चीज से कूट लेना है, इसका पेस्ट बना लेना है। अब आपने इसके अंदर एक चम्मच की मात्रा में शहद मिक्स कर लेना है। अगर आप डायबिटिक हैं, तो आपने शहद का इस्तेमाल नहीं करना, हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप चाहें तो एक चम्मच की जगह पर दो चम्मच शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप डायबिटिक पेशेंट नहीं है। इनको अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद दोस्तों, जब आपने सुबह उठकर गुनगुना पानी इसका पिया था, जब जिसमें हमने मेथी दाना और दालचीनी भिगोई थी, उसके जस्ट 10 मिनट के बाद, यानी ये 10 मिनट में ये पेस्ट भी बना लेंगे आप, तो 10 मिनट के बाद आपने इसे खा लेना है। खाने के बाद ऊपर से एक कप हल्का गुनगुना पानी पी लीजिए। इसके बाद आप बहुत अच्छे से फ्रेश भी हो जाएंगे। इसको लेने से आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से होने लगेगा, ये नसों की ब्लॉकेज को खोलना शुरू कर देगा, शरीर में होने वाले सूजन को दूर कर देगा, पिंडलियों और जांघों में जो वेरिकोस वेन की समस्या आती है उसको भी ये ठीक कर देगा। एक हफ्ते तक अगर आप इसका लगातार सेवन करते हैं तो इसका असर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों, इस उपाय का इस्तेमाल आपने कम से कम 15 दिन रोजाना करना है। अगर आप आगे भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं अगले उपाय के बारे में। अगले उपाय को बनाने के लिए आपने एक बर्तन में एक गिलास पानी डालकर लो फ्लेम पर पानी को रख देना है। इस पानी के अंदर आप एक चुटकी दालचीनी पाउडर मिक्स कर दीजिए। दालचीनी पाउडर वह भी आपने घर पे पिसा हुआ लेना है, इस बात का आप जरूर विशेष ध्यान रखिएगा। फिर आप एक बड़ी इलायची लीजिए और इसे कूटकर इस पानी में डाल दीजिए। इसके बाद जो आपने तीसरी चीज इसमें मिक्स करनी है वो है दोस्तों लौंग। आपने सिर्फ एक लौंग लेना है, उसे कूटकर इस पानी के अंदर उबालने के लिए डाल दीजिए। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ आपने एक ही लौंग का इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी तासीर बहुत गर्म होती है। पानी को अच्छे से उबलने दीजिए ताकि इन सभी चीजों का अर्क पानी के अंदर आ जाए। दोस्तों, इस पानी को कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए उबालिए। जब इसकी क्वांटिटी यानी कि मात्रा आधी रह जाए तब आपने गैस को बंद कर देना है और थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना है। हमने इसे एक कप में छान लेना है। दोस्तों, यह ड्रिंक वो तैयार हो गया जो एक आदमी के लिए है। अगर आप दो आदमियों के लिए बनाना चाहते हैं तो इसकी मात्रा को डबल कर लेना। अब हम इस ड्रिंक के अंदर आखिरी चीज जो मिक्स कर रहे हैं वो है गुड़। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं तो गुड़ का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करिए। दोस्तों, ये हमारा पावरफुल घरेलू इलाज तैयार हो गया। आपने इसका इस्तेमाल दिन में एक बार करना है। सुबह आप जब भी नाश्ता करते हो, ब्रेकफास्ट लेते हो, उसके 30 मिनट के पहले, या फिर आपने दोपहर के खाने के 2 घंटे के बाद में, या फिर रात को खाना खाने के 1/2 घंटा बाद में आप इसका सेवन कर सकते हैं। ऐसा आपने रेगुलर 1 महीने तक करना है। इससे दोस्तों आपकी नसों की कमजोरी, ब्लॉकेज की समस्या, नसों में सूजन आ चुकी है, वेरिकोज वेन की समस्या हो चुकी है, तो वे दूर हो जाएगी। अगर आप इस ड्रिंक को रेगुलर पियेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, आप एनर्जेटिक फील करेंगे। ये बहुत ही पावरफुल घरेलू उपाय है। इसके अलावा नसों में ब्लॉकेज को दूर करने के लिए आपने अपनी डाइट पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है। डाइट के अंदर ऐसी चीजों का इस्तेमाल करें जो न्यूट्रिशन से भरी हो, जैसे कि बीजों को शामिल करें, फल फ्रूट को शामिल कीजिए। बीजों के अंदर आप अलसी के बीजों को खाना शुरू कर दीजिए, चिया बीज को खाना शुरू कर दीजिए, खरबूजे के बीजों को खाना शुरू कर दीजिए, सनफ्लावर सीड यानी कि सूरजमुखी के बीजों को खाना शुरू कर दीजिए। आप 4 से 5 बीजों को अलग अलग मिक्स करके रख सकते हैं और रोजाना इसका 1 से 1.5 चम्मच खा सकते हैं। इससे नसों में आई कमजोरी दूर होगी, नसें मजबूत होंगी। इस तरह अगर आप बीजों का इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों ये न्यूट्रिशन से भरे होते हैं और आपके अंदर इसकी कमी को दूर कर देंगे। अगर ड्राई फ्रूट की बात करें तो आप अपनी डाइट के अंदर बादाम, अखरोट, किशमिश और खजूर, इनका बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके फायदे ले सकते हैं। ये आपके शरीर को हेल्दी और एनर्जेटिक बनाने के साथ साथ आप में चुस्ती फुर्ती ला देंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा दोस्तों फिजिकल एक्टिविटी करना बिल्कुल न भूले। आप वॉक कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, एरोबिक्स कर सकते हैं। दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन, ये जानकारी यहीं तक थी। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी, आपके काम की है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और अगर आपके कोई भी सवाल है तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।